गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। थानेदार को प्यास लगी जोर की और गोड़ी को प्यास लगी हुई। दोपहर का समय हो गया, 12-1 बजे का। अब देखा कि किसान के खेत में पानी चल रहा है, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी पर सवार यूं का यूं आया और उसने घोड़ी को पानी पीने के लिए जहां वो रेत से पानी तुरंत गिर रहा था वहां पीने के लिए थोड़ा सा जगह होती है, पानी थोड़ा रुक जाता है, वहां लेकर आया और उसकी चूं चूं को उसमें जो चरचों की आवाज आ रही थी उससे घोड़ी बेदक गई और 1 किलो 200 फुट जाकर डटी। अब दरोगा जी ने उस किसान पर डांट लगाई कि किसान ये चूं चूं बंद कर दे, मेरी घोड़ी डरती है। अब किसान ने वो रेट रोक दिया, बैल रोक दिए। अब वहां से जब वो घोड़ी को निकट लाया, क्योंकि वहां मरुस्थल ये बालू रेत सूखी जमीन थी, जब तक वो घोड़ी वहां लेकर आया तो वो पानी था वो जमीन में पी लिया। अब उस दरोगा जी ने कहा कि किसान पानी निकाल, किसान ने बैल आंक दिए, वह फिर चुर चू हुई, घोड़ी फिर डांक मारेगी, 200 फुट फिर जाकर डटी। अब उस दरोगा जी ने फिर कहा किसान इस चू चू को बंद कर, उसने बैल रोक दिए, वो फिर निकट लाया तो वह फिर जल नहीं, कहा जल निकाल, उसने फिर वो बैल आंक दी और चू चू करके घोड़ी फिर भाग गई। अब किसान कहने लगा दरोगा जी जब पानी पीना आती चू चू में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे तुम, पानी इस चू चू से ही मिलेगा तुमने चींचू पे। तो पुण्यात्मा इस काल में अपने या चींचू ला रखी है ये टेंशन समस्याएं और इतना बिजी बना रखा है एक पेट के लिए, इस प्राणी को स्वभाव बन गया इस मन का, घना धन जोड़न का, बड़ी कोठी बनाने का है, और उसकी खातिर सारा दिन धक्के खाता करे। एक बार ईंटें लेनी थी हमने एक भट्ठे के मालिक के घर चले गए दोपहर ने 12 बजे। पता लगा कि वो तो भट्ठे पर गए हुए और वहां उनकी कोठी बहुत बड़ी कोठी बना रखी, उसमें एसी लग रहे, कूलर लग रहे। तो हम फिर उस भट्ठे पर जाना पड़ा, उससे एक संपर्क साधना था। तो 1 बजे और वो चढ़ रहा भट्ठे के ऊपर आधे रखी उसमें और वो गर्म दोपहर में, उससे मिले बात हुई। फिर वो कहने लगा मैं तो शाम में 5 बजे बाद जाता हूँ यहां से, सुबह आ जाता हूँ 8 बजे। बता चाट ले उस कोठी ने, सारी दोपहरी तो उड़ा झोपड़ी में काटे और कोठी बनाकर दुनिया में दिखा रहा है। तो ये स्थिति है जीव की। अब परमात्मा कहते हैं यदि हम
देखो पुण्यात्मा और परमात्मा कितने दयालु आपके लिए, आप जी को यहां बुलाते हैं, ये अमृत ज्ञान सुनाते हैं जो पृथ्वी पर नहीं सुनने को मिल सकता, और यहां कितनी सुविधा आप जी के लिए करवा रखी है। और यहां आने में भी कोई आनाकानी मानता है तो वो कति भक्तिहीन प्राणी है, उसकी रजा नहीं भगवान। अपने पेट के लिए कहां उस, देखो उस कितना पैसे वाला व्यक्ति भी वहां पड़ा था खेतों में पट्टे पर, तो यहां तो कुछ भी कष्ट को नहीं। तो इसलिए परमात्मा के लिए यदि हमने थोड़ा बहुत कष्ट उठाना भी पड़ जावे तो बिल्कुल मन में जो है आलस नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं नरसंसारी लग्न में दुख सह करोड़, और जो परमात्मा के लिए जितना सह उतना ही थोड़ा। अब जैसे किसी को कहते हैं चलो जी सत्संग में आओ जी सत्संग में, चलो सत्संग बराबर वाला इशार में, तो कहते हैं टाइम को ना फिर देखेंगे। उनको टाइम क्यों नहीं कि उनको ये लगता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जावे, माया थोड़ी जोड़न पाऊं। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक आदि घटना पुण्यात्मा हृदय को छू जाती है और आजीवन याद रहती है, और जिस कारण से परमात्मा की भक्ति में रुचि दृढ़ होती है। एक समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी पंजाब के अंदर एक तलवंडी भाई कस्बा है फिरोजपुर जिला में, उनका मेन आश्रम वहां था, मोगा में भी था खन्ना में भी था, लेकिन वो ज्यादातर वहीं रहा करते थे। उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव जी का तो वो तो सतलोक चले गए, उसके बाद इस दास को आदेश दे दिया था, उससे पहले ही 3 वर्ष पहले ही मुझे आदेश दे दिया था इस दास को उपदेश देने का और ये परमात्मा का गुणगान करने का। उसके बाद वहां हम सत्संग करने जाने लगे जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए। वहां दूसरे रविवार को सत्संग किया करते थे, तो वहां हमारे गुरुदेव जी के जो शिष्य थे उनका कोई रिलेटिव आएगा अपने पूरे परिवार समेत, कोई बूढ़ी आगे मृत्यु होगी वहां पर एक वृद्धा की, उसके शोक व्यक्त करने के लिए। अब शुक्र ने वो आया शनिवार को जाने लगा शाम को, तो वहां हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे उन्होंने कहा कि आप कल सत्संग सुनकर जाइयो, 8 बजे सत्संग शुरू होगा, आज शाम में महाराज जी आएंगे और 9 बजे शुरू हो जाएगा, 2 घंटे सत्संग होता है, आप फिर चंडीगढ़ चले जाना। उसने चंडीगढ़ जाना था तो वो कहने लगा कि मुझे बहुत जरूरी कार्य है, एक पार्टी आवेगी जिससे मेरा एक एग्रीमेंट होना है, कोई ठेकेदारी का काम करता था और उस एग्रीमेंट में मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा और मेरा जाना घना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि आप कल चले जाइए, 11 बजे 12 बजे चलोगे तो 4 बजे तक पहुंच जाओगे, चंडीगढ़ कौन सा दूर है, गाड़ी आपके पास है। वो कहने लगा नहीं नहीं आपको नहीं पता, उनके आने के लिए मैंने पहले व्यवस्था करनी है, होटल बुक कराना है, ये करना है। अब वो माना नहीं, शनिवार शाम को वो चल पड़ा अंबाला के पास आकर के, मारुति कार में पूरा परिवार था, 4 सदस्य थे, एक बेटा एक बेटी दोनों हुए पति पत्नी। एक बजरी का लोडेड ट्रक खड़ा था, उसके पिछले 4 टायर निकाल रखे पिछले पिछले और जैक लगा रखे, और उसने तो 5 लाख दिखे थे, चंडीगढ़ दोनों ईब पहुंच जा स्पीड कर रखी, वो उसका मां ठोक दी नौकी ने मारुति पिछली साइड पे, बजरी का लोडेड ट्रक था वो जैक कट गया। पहले तो उस इतनी स्पीड से टकराते मर लिए होंगे, वो
चारों के चारों मर गए और लोडी ट्रक ऊपर पड़ गया, जय कट गया। अब चाट ले उन 5 लाख रुपया ने। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दाम, और दुई दाम दोनों गए माया वली ना राम। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में यदि प्राणी आ जाता है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बुला, जय मस्तिक में सूली हो वो कांटे में टल जावे। परमात्मा की शरण में आने से यदि आपके भाग्य में आपकी मृत्यु होनी हो तो पूर्ण संत परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से आपकी वो मृत्यु एक काटा लाग कर टल जाए, यानी थोड़ी चोट में जान जानी हो दुर्घटना होगी और आत्मा फ्रैक्चर हो गया या टांग टूट गई, कुछ भी ना होया, जान बची 2 महीने में या टांग ठीक हो जाएगी। एक समय एक नगर के बाहर आश्रम था, उन आत्माओं परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा पैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता थरूं अपने हीरे मोती लाल। ती परमात्मा की 3 प्रकार की शरीर स्थिति है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में कहा कि वो परमात्मा सबके पापों का हरण करने वाला और तेजो में शरीर को प्राप्त होता है, उसका बहुत सुंदर शरीर है। और उस परमेश्वर की 3 स्थिति है शरीर की, एक तो सतलोक में है वो परमात्मा, वह स्थिर है, वो वहां स्थायी तौर पे वहां रहते हैं, तो वहां उनका शरीर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी सतपुरुष की सतलोक में है, इतनी शोभा है उस परमेश्वर की। और मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा, ये आज तक जितने भी पंथर नए ऋषि ऋषि ये जितने सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी धन धन सतगुरु ये तेरे सारे जो जय गुरुदेव वाले हैं ये सारे कति झूठा ज्ञान रखते हैं, परमात्मा को निराकार बताते हैं सतलोक में, वह तो चेतन ही चेतन है, वहां पर परमात्मा है नहीं। और मोक्ष प्राप्त आत्मा सतलोक में निराकार परमात्मा में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में, कोई बात हुई? अब किसी को कोई कहे कि चलो समुद्र में डूब कर मरांगे, होगा कोई तैयार? वहां भगवान है नहीं, आम के टिंडे लाएंगे वहां पर, फिर क्या करेंगे, जाके भगवान के लिए तरफते फिरते हैं, मूर्ख बना रखे इन्होंने, ये काल के दूत थे सारे। तो एक तो वो स्थिति है, और दूसरी स्थिति ये है कि वो नवजात शिशु का रूप धारण करके एक युग में एक ऐसी लीला करता है जैसे बनारस में की सतयुग में परमात्मा कबीर जी ने, और धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में शरीर में, नवजात से सुधारण करके आते हैं, फिर बड़े होकर के छोटे ही आयु से 5 वर्ष की आयु से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुटा देते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं करते हैं और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे भक्त की का रोल भी स्वयं ही करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं करते हैं। और हमें उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि ऐसे रहो, समर्पित रहो परमात्मा पर, ज्यादा संग्रह संचन में समय व्यर्थ मत करो, ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति जैसे धर्मदास जी साहब को आकर मिले ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक 21 तक इन मंत्रों में विशेष रूप से ये कहा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को, और उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, यथार्थ ज्ञान देता है। तो वो परमात्मा
ऐसी लीला कौन करते हैं? कबीर देव जी, कबीर साहब। वो कबीर साहब जी किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय मलुकदास जी को, आदरणीय दादूदास जी को, आदरणीय नानक साहेब जी को, आदरणीय गरीबदास साहेब जी को, आदरणीय गीसादास साहेब जी को, आदरणीय नामदेव साहेब जी को, और भी बहुत से संतों को मिले, लेकिन हम इतना ही जो वेल नोन है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको विश्वास शीघ्र होगा। और इसके अतिरिक्त जब चाहे जहां परमात्मा आ जाते हैं, कुछ दिन किसी पहले क्या होता था कि ये गांव में नगरों में कहीं कहीं उनकी यादगार बनी हुई है, और वहां के अक्षेत्र के व्यक्ति कहते थे यहां एक साधु रहा करता था, उसने अपना भेद नहीं दिया, कहां से आया था, कहां का उनका जन्म था, कभी वो नहीं बताते थे। तो वो परमात्मा आते थे और भक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा कुछ समय आते रहते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, उस क्षेत्र में फिर भक्ति पनप जाती है, मालिक की आस्था बनी रहती है। और ये भगवान जो ब्रह्म है, ये काल, ये चाहता है कि ये जीव नास्तिक हो जाए, इनको ऐसी साधना दी जाए जो साधना करते करते थक जाए, इन पर आपत्तियां आती रहे, ये नास्तिक हो जाए, भगवान को भूल जाए। वर्तमान में ये सभी पंथ जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, डेरा सिरसा वाला, जगमाल वाली, आला रेती वाले, गंगुआ में लठगाड़ी रखा, सो मुस्ताना, एक जय गुरुदेव, एक दिल्ली में कृपाल आश्रम, और ये हंसा देश वाले सतपाल जी, और ये जिसने बाल योगेश्वर कहे, ये सारे काल के दूत हैं, इनके पास भक्ति नहीं, और इनकी ऐसी दुर्गति हो रही है इनके अनुयायियों की भी। और फिर ये क्या कहते हैं, भाई कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये क्या कहते हैं कि जो प्रारब्ध में कर्म लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं, आप भक्ति करते रहो, आपका आगे सुख हो जाएगा अगले जीवन में। अब पुण्य आत्माओं, दुख होता है पाप से और सुख होता है पुण्य से। आप जी के ऊपर जो आपदा आई है, आपत्ति आई है, वो आपके पाप कर्म से आई है। और कोई ये कहे कि ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर ले, अरे भले आदमी हो, किसी के पैर में काटा लग गया हो और उसको पीड़ा हो रही है और काटा दिखाई ना देता हो, और वो कहे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बताए कि तुझे काटा लग गया है जिस कारण से तुम्हें ये पीड़ा हो रही है, अब उसका इलाज तो ये है कि वो काटा निकल जाए, तो काटा निकले तो पीड़ा बंद होगी। और कोई नहीं कहे कि काटा तो लगा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, जूता पहन ले, आगे काटा नहीं लगेगा, काटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, काटा निकले पीड़ा बंद हो फिर जूता पहना जा, और फिर वो जूता कभी नहीं निकालेगा इस डर से कि कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, हे भगवान कदे फिर काटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, आज जिसके ऊपर आपत्ति आई है वो पाप कर्म रूपी काटा लगा हुआ आपके, और ये काटा निकाला जाएगा पहले आपका, और फिर आपको मर्यादा बताई जाएंगी कि ये मर्यादा नहीं तोड़ना, बीड़ी शराब मांस तमाखू रिश्वतखोरी चोरी जारी नहीं करना और उपासना नहीं करना, ये मर्यादा है, और ये राम नाम का जाप साधना करना, ये फिर जूता दिया जाएगा आपको। और वो दुखी आत्मा जिसको ये सुख होगा, फिर ये राम नाम के जूते ने कभी नहीं निकालेगा इस डर से ये भगवान कहीं फिर वो कष्ट आपत्ति ना आ जाए। तो इस प्रकार तब ये भक्ति सफल होगी। अब जिन पुण्यात्माओं को ऐसा ऐसा सुख हुआ, मेरे पास इतनी चिट्ठी हो जाती है प्रत्येक सत्संग में, और फिर जो फुर्सत मिलती है पढ़ता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाती हैं, ऐसे ऐसे दुख थे इन प्राणियों पर, आज परमात्मा ने ऐसे सुखी कर दिए वो कुछ ही दिनों में। हे परमात्मा, हे दयालु, आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आपने आप ही आकर हमें ये
बताया कि मैं कौन हूं और कहां हूं, हम अभी तक भटक रहे थे। और फिर उन पुण्यात्माओं को जो कष्ट में थे आज सुख मिल गया। अब उनको जो मर्यादा बता दी गई वो मर्यादा नहीं तोड़ते, उनको जरा सा भी किसी कारण से, जैसे एक बहन मेहंदी लाकर आई और हमने उसको कहा भी ये नहीं लानी चाहिए थी, जो बोले जी दोनों कान पकड़ लिए, पता नहीं था मुझे, आगे नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाई, फिर बोल करी। तो किस लिए लगाएंगे, ये ड्रामाबाजी किस लिए कर रहे हैं परमात्मा? जैसे नानक साहिब जी कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिना से सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। अब छोटे छोटे पुण्यात्मा बच्चे भी ये कहते हैं कि मेरा नाम ठीक है, मेरा नाम खंड तो नहीं हो गया। और एक कहता जी इसने फिल्म देख ली, एक दिन टीवी देख रहा था, इसका नाम खंड हो गया। तो वो कहता जी फिर कभी नहीं देखूंगा मैं। दूसरा बच्चा कहता है फिर नहीं देखूंगा, और ऐसा ही दर्द हो जाता। अब बच्चों को जिस रंग में अब रंग देंगे सदा वो उसी रंग में रंगे रहेंगे। अब हमने किस रंग में रंग दिए, ये फिल्मी गाने देखे हैं, डिशों डिशों, और फिर फिल्मी गाने गावे और कमरे में अकेले होते ही बाण भाई नाचते नहरे नहरे, ये कोई ये बकवाद वर्दी काल ना हमारे अंदर। और वो सब अड़ंगा हटा करके ये एक सुचारू जीवन इस पुण्यात्मा को यहाँ दिया जाता है, जीने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं एक नया समाज होगा, एक ऋषि समाज बनेगा, भी सभी भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। आप चोरी करके रिश्वत लेकर के आप धनी बनना चाहते हो, सपने में भी नहीं बन सकते, ये सत्कर्म है। और वो पाप रह जाएंगे अलग। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था, अपने आत्मा इस सत्संग को सुनकर जागृति आती है, आत्मा तड़प उठती है और एकदम सतर्क होती है, सचमुच हम गलत कर रहे थे। अब जैसा ही परमात्मा का ज्ञान है इसको सुनकर आत्मा एकदम सचेत हो जाती है, उसको अपने किए हुए कर्मों पर सोचना पड़ता है। अब सत्संग में बताया जाता है कि जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा। ये थी आप जी ने दो नंबर का काम करके, किसी का मिलावट करके, रिश्वत लेकर और दो पैसे अधिक इकट्ठे कर भी लिए, तो वो पैसे ऐसे स्थान पर लग जाएंगे, या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा। अब वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप जो के तो रह गए, जो आप जी ने वो पाप जो पैसे इकट्ठे करने में वो पाप किए थे वो आप न भोगने पड़ेंगे, और पैसा रहा नहीं। और परमात्मा का विधान है जैसा तुमने किया उससे अधिक तुम रख नहीं सकते। और पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा परमात्मा, यदि आपको आवश्यकता होगी। अरुण वाहियात की डिमांड करोगे तो यहां आपकी वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि माया आपकी शत्रु है, और आपको परमात्मा उतना अवश्य देगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरे से इतनी मांगना, साईं इतनी दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। इतनी मांग ली ना आपने, सारा कुछ मांग लिया। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं, ये एक अलग चैप्टर शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे जब हमें ये डर हो जाएगा, तो एक व्यक्ति ने ये सत्संग सुना और फिर उसने उपदेश लिया, आज से 10 वर्ष पहले की बात है, 10-11 वर्ष पहले। फिर उसने आप बीती बताई कि मेरा इकलौता पुत्र था और मेरा कुछ ऐसा काम था इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, पहले ये घड़ी आया करती 10-10, 5-5 रुपए की, और बेचा करते 200-200 रुपए, 400-400, ये स्टार्ट हुई थी जो। और फिर कहा करता मेरे कैसेटों का, ये जो सोनी की कैसेट आया करती इसकी टेप की, सन 73-74 में ये 75-76 में ये चले थे, तो उसमें कहता सोनी की
वो कैसेट तो 32 रुपए की होती थी, मैंने डुप्लीकेट सुन्नी बनाकर जो 2 रुपये में मेरा रिफल समेत पड़ा करती, मैं 32 रुपये में देता था। और वो किसी की चलती इतना चलती, कोई टेप खराब हो गया, कोई टूटी रहती, ऊपर लेवल सोनी का था। कहने का भाव यू है कि मैंने खूब पैसा कमा लिया। इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया। पहले तो लोकल डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर जाड़े जपटे आड़े के, फिर फलाने मंदिर में जाओ अमरनाथ पर माथा टकवा लिया, फिर वहां धक्के खाए, सारा पैसा बहुत लग गया। लास्ट में फिर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में चेक कराया, उसके दोनों किडनी फेल पाई। अब जैसे तैसे करके किसी रिश्तेदार ने अपने से वो गुर्दे गर्दा एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। उसका 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये टोटल लाएंगे, यानी कर्जा और हो गया, जो कमाया था वो तो गया, और फिर भी सोची चल कोई बात नहीं फिर कमा लेंगे। 6 महीने के बाद वो ही लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। जब उसने ये सत्संग सुना, कहने लगा जी मैं तो इतना पापी आत्मा था, मेरे तक कीड़े पड़ जाना सारे शरीर में, तो भी थोड़े परमात्मा के सत्संग से ज्ञान से मेरी आंख खुल गई। और आंख न खुल गई, वह बीत चुकी थी। जय उसके पास ये सुख होता, लड़का भी जीवित होता, कद्दे ना सुने हमारी बात ने, और ना उसका असर हो। तो यहां परमात्मा कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हे परमात्मा, आप ऐसे अर्ज करते रहना प्रभु से। परमात्मा अपने आप पर कहकर हमारे लिए एक संकेत करते हैं कि परमात्मा से ये अर्ज करना कि सुख के मत है पत्थर पड़ो, जिस दिन नाम हृदय से जा और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी याद ना आवे। हे प्रभु इतना कष्ट देते रहना जिससे आपकी भूल ना पड़े। कहते हैं उस सुख का आग लगो जिस तो भगवान तो दूर हो जा पुरानी, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। पुणात्माओं आप जो भी कोई दुख में यहां आया उसके लिए ये दुख वरदान से दो एक दिन, कुछ दिन के बाद आप देखना ये कष्ट ना आता तो आप यहां नहीं आते। यहां नहीं आते तो इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति तत्व ज्ञान से उभरती है, आत्मा जागती है। तो परमात्मा बताते हैं कि जैसे वो दंपति पूरा परिवार था और उनके पास इतना समय नहीं था, एक रात ने डट जा और कल सत्संग सुन ले और अगला दिन बिना निकला उनका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने। तो परमात्मा कहते हैं जब संत शरण में आने से ऐसी आपदाएं भी टला हो जाए, वो रुक जाए तो वो टल जाती, मालिक दया बख्श देते उन पर। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिक में सूली हो वह कांटे में टल जा। एक नगर के बाहर, गांव के बाहर एक आश्रम था एक संत का। ये परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं और वो अपना भेद भी नहीं बताते हैं, एक सिंपल वे से रहते हैं। तो वो उस संत के यानी उस परमेश्वर कबीर जी ही थे वो स्वयं। उसने 2-3 आश्रम बता रखे थे कि मेरे 2-3 आश्रम हैं, और प्रत्येक आश्रम में उसने 2-2, 3-3 महीने बांट रखे थे एक वर्ष में। तो जब वो उस नगर में उस गांव के निकट वाले आश्रम में रहते थे 2 महीने या 3 महीने, उस गांव में उस संत के कुछ शिष्य थे। तो वो क्या करते थे, वो संत वहां कोई खाने की व्यवस्था स्वयं नहीं करते थे, नगर से उस गांव से जो शिष्य थे उन्होंने अपनी ट्रन बांध रखी थी, बारी बांध रखी थी, नंबर बांध रखा था कि आज जैसे एक दिन शुक्रवार का
जैसे अर्फूल का और मंगलवार का, फिर दूसरे का बुधवार, किसी तीसरे का, ऐसे ऐसे 10-20 घर थे उन्होंने बांट रखे थे अपने। तो वहां उस गांव से एक परिवार से ही उस आश्रम में संत भक्तों के लिए और जो संत थे उनके लिए 2-4 भक्त रहते थे उनके साथ, भोजन जाता था। एक दिन एक बहन का नंबर आ गया और उसका दूध फट गया। उसने सोचा अपने पड़ोसी से, पड़ोसन से दूध ले आती हूं, उधारा ले लूंगी, फिर दे दूंगी शाम को या कल दे दूंगी। वो उस एक पड़ोसन के पास गई, वो विधवा थी, उसके इकलौता पुत्र था। अपने आत्माओं किसी के घर कोई वस्तु मांगने जाते हैं तो पहले कुछ शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल अवश्य कहा सुना जाता है। उस सत्संग, उस संत की शिष्य बहन ने उस जिसके दूध मांगने गई थी उससे कहा कि बहन कुशल हो, परिवार ठीक है। उस विधवा बहन थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बहन मेरे जीवन में सुख भगवान ने लिखा है को नहीं। पहले तो पति मरा, आपको पता है, ये पाड़ तो भारी दुख। फिर ये सोची थी इकलौता पुत्र है, जब इसका पिता की मृत्यु हुई यो 7-8 वर्ष का था। अब ये सोची थी कि ये युवा हो जाएगा, इसे मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, अपना काम संभाल लेगा और इसका विवाह कर दूंगी, मुझे सुख का सांस आ जाएगा। अब ये लड़का 15-16 वर्ष का हो गया, ना काम करता और ये शराब पी हुआ है, और पैसे घर से दो चीज मिल जाती है, यानी पैसे ले जाता है और पता नहीं कहाँ रहता है सारा दिन, मुझे पता नहीं इसका, ना बताता, देर से आता है, और कुछ कभी कहती हूं तो लड़ने को तैयार हो जाता है। यूं कहकर बहुत रोने लगी। तब उस जो सत्संग में जाती थी उस बहन ने कहा कि बहन तू ऐसे कर, हमारे साथ तू सत्संग में चला कर, और वहां जाने से तेरा मन भी हल्का होगा। आज सारा दिन यहां टेंशन में पड़ी रहती है, वहां परमात्मा की चर्चा सुनेगी, बतलावेगी, तेरा मन खुश होगा, और परमात्मा की शरण में आने से बहुत लाभ हो जाता है, तेरे बेटे को भी परमात्मा ही सुधार सकता है। वो कहने लगी, नहीं बहन, नहीं नहीं नहीं, ये एक और नया मुकदमा शुरू हो जाएगा, मैं विधवा हूं, और यदि मैं सत्संग में जान लग गई तो ये मेरे आसपास के जो जेठ देवर ये ना जीन देंगे, 100-100 व्यंग कसेंगे, पता नहीं किक के बात बनाओगे, और तुम्हारे तो पति जीवित हैं, तुम्हें तो कोई कह नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। उसने चैप्टर क्लोज कर दिया। फिर उस बहन ने कहा कि बहन ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव के लिए आज भंडारा देना था, मेरा दूध फट गया और आपके दूध है, मैं दूध लेने आई थी, ते उधारा दे दे, तेरा कल दे दूंगी। अब उस बहन को कैसी प्रेरणा हुई, वो दूध निकाल कर रखा ही था, वो सारा का सारा उसके पात्र में डाल दिया, अगले बहन ले जा। सत्संग में जाने वाली सत्संगिन बहन ने कहा कि कुछ तो रख ले बहन, तो कि ना इशारा ले, मेरा तो पाप में जाना सारा ही, और मेरा भी भाग उदय हो जाएगा, साधु संत भक्त आहार करेंगे। अब क्या प्रेरणा हुई, ये कहते हैं करा करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव का वो आप बगल हो जा। अब वो बहन दूध ले आई, खीर बनाई और महात्मा को खिला दी, साधु भक्तों को, संतों को। अब वो ये सोचने पर विवश होगी कि मैं भी ऐसे सारा दूध नहीं दे सकती, मैं जबकि भगवान के चरणों में और भगत को आती हूं, जिस प्रकार इस बहन ने समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया, इसमें अवश्य जगह है परमात्मा की, इसका भूल पड़गी। तो धीरे धीरे वह उसके पास जान लाएगी, और उस लड़की ने ये कह दिया था, बहन उदारा उदारा ना लूं मैं, तू ले जा बेटा, ये तो मैं वैसे ही दूंगी। तो धीरे धीरे उसके पास जान लाएगी, भगवान की चर्चा सुना दे, कभी वह 10 मिनट सुने फिर उठ कर चली जाए, कोई काम लग जाए,
क्योंकि कहते तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे और जैसे जबड़ के बेगते या भूख विदा हो जाए। अब जिसके पाप कड़े बढ़ जाते हैं उसको राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती, जैसे ज्वर के रोगी को, जैसे मलेरिया के रोगी को रोटी भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, वो कड़वी नहीं होती। लेकिन उस बुखार के, उस ज्वर ने उसके शरीर की व्यवस्था को ऐसा बिगाड़ दिया कि मीठी चीज भी, मीठे पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको परमात्मा की चर्चा रूपी मनुखा दाख भी कुनीन जैसी कड़वी लगती है। इसका ट्रीटमेंट क्या, फिर मलेरिया हो गया तो कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेंगी आपको, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, और उनके खाने से फिर वो मलेरिया जबर ठीक हो जाएगा। फिर वो रोटी जो कड़वी लगा करती थी वो इतनी स्वादिष्ट लगेंगी, लुखी सुखी भी खा जाओगे अगर सब्जी ना बनी होगी तो। पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार हमारे साथ बीती हुई है और जितने भी भक्त यहां आए सबके साथ ऐसा ही संघर्ष हुआ है। परमात्मा की चर्चा शुरुआत में सुन नहीं सकते थे, थोड़ी सी बात सुनी उठकर चल पड़ते या दिमाग कहीं घूमने लग जाता, और मालिक की दया हुई ये कुनीन हमने खानी शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी सुनते रहे, 10 मिनट बैठे रहे, कभी 20 मिनट, फिर घंटा, और फिर ऐसा जबर उतरा, अब ऐसी भूख लगती है। आप देख लो कहां कहां से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से, अब इतनी भूख लग रही है आपको क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त होने लग रहे हैं और आपकी आत्मा में भूख बढ़गी परमात्मा की चर्चा सुनने की। अब यही सती थी उस बहन की होगी, 5-4 मीटिंग में उसके मन में प्रेरणा होगी कि बहन आप ठीक कह रही हो। अब उस बहन ने उसकी शंका का समाधान किया कि आप कह रही हो कि मैं विधवा हूं और लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा करेगी, दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। तब उस बहन ने सत्संग में सुने हुए विचार व्यक्त किए कि बहन आपने मीराबाई की कथा सुनी होगी, ठाकुरों की लड़की थी और ठाकुर तो अपनी बहु बेटियों को पर्दे से बाहर ले जाने देते थे। उस समय इतना ऐसा सख्त उनका नियम था, विधान था, और उस समय मीराबाई ने कैसा संघर्ष किया, पहले मंदिर में जान लगी माँ बाप के विरोध के बावजूद भी, फिर उसका विवाह हो गया एक राणा के साथ, राजा के साथ। जब वो मंदिर में जाती थी उसका पति 4 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसके देवर को गद्दी प्राप्त हो गई थी मीराबाई के। अब क्या हुआ, कहते गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल, सोथल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब रविदास जी और कबीर जी ये बहुत साथ रहते थे अधिकतर। रविदास जी ने परमात्मा कबीर जी को पहचान दिया था बाद में कि ये परम शक्ति है, इनके पास जो ज्ञान है पृथ्वी पर नहीं है। तो एक दिन रविदास जी और कबीर जी एक भगत के यहां सत्संग कर रहे थे और वो भगत का घर उस रास्ते में था जिस रास्ते से मीराबाई मंदिर में जाया करती थी। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग, कबीरा संगत संत की साहिब आवे याद, और लेखे में वो है समय, बाकी का समय बाद। अब मीराबाई ने देखा कि कोई भक्त बैठे हैं, दो संत बैठे हैं, मंदिर में गई जल्दी जल्दी पूजा करके वापस आई, रास्ते से थोड़ी सी दूरी पर वो 20-30 भक्त बैठे थे और परमात्मा कबीर जी और रविदास जी बैठे थे। मीराबाई ने सोचा चल थोड़ी सी देर संतों के विचार सुन लेते, वह बैठ की जाकर। परमेश्वर कबीर जी ने उस दिन सृष्टि रचना सुनाई और ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी बताई कि इनके ऊपर एक और परम शक्ति है। मीराबाई के गले व बात उतरी को ना, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की परम पुजारण थी।
तब कबीर साहब जी के साथ वार्ता की उसने कि महाराज जी हमने तो आज पहली बार आपसे सुना है और मैं तो श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानती और ना मानू। परमात्मा ने कहा बेटा देखो जिद करना तो दूसरी बात है, भक्तों के लक्षण नहीं होते। वो कहती मेरे साथ कृष्ण जी साथ आकर डांस करते हैं, कभी स्वप्न में करते हैं, कभी वैसे आभास होता है। तब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कृष्ण जी से पूछ लिए, फिर मान लिए हमारी बात ने। मेरा भाई को तो चिंता होगी, उसने लेटगी सपने में वही चिंता श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी से मीरा जी ने पूछा कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे संतों के वचन सुने हैं और संत झूठ नहीं बोलते, ये भगवान क्या आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमारे से ऊपर बहुत परम शक्ति है, लेकिन मीरा उसकी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं, हमने करके देख ली वो उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती, क्यों व्यर्थ प्रयत्न करे। अब मीरा बाई का तो करंट जैसा झटका लग गया, रत्रा गजब हुई हो, इन तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो अगले दिन तुरंत जाके चरणों में मत्था टेक लिया उस पुण्यात्मा ने और कहा प्रभु मेरी शंका खत्म होगी, श्री कृष्ण जैसे भी ऊपर शक्ति है, लेकिन वो कह रहे हैं वो मिलती नहीं। परमात्मा कहते हम मिलावांगे उससे, बेटी ना क्यों मिले, फिर फायदा क्या भक्ति का जो भगवान नहीं मिलाते। उस दिन के बाद उसने अपना मंदिर जाना बंद कर दिया, क्योंकि परमात्मा के नियम है अब वहां नहीं जाएगी, उस मूर्ति में भगवान नहीं है, और जिसकी मूर्ति है वो मिलेगा जो बात बनेगी। जैसे एक सेब की मूर्ति रखी हो पत्थर की चाहे किसी की, वो सेब की मूर्ति ये तो याद दिलाती है कि सेब के गुण क्या है, वो सेब ओरिजिनल मिले जो बात बने उस मूर्ति वाली सेब से पेट नहीं भरे। कहने का भाव ये है कि मीराबाई ने कहा प्रभु मुझे उपदेश दे दो। अब वो ठाकरों की लड़की कबीर जी दुल्हा, रविदास जी चमार, अब संत कच्चा काम नहीं करते हैं। परमेश्वर ने सोचा कि इसकी परीक्षा भी ले लें या कदे कल, क्योंकि कल को नाम लेने के बाद इसको लोग टोंट कसेंगे और यह नाम त्याग देगी तो इसकी दुर्गति दूनी हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी का उपदेश लेने के बाद अपने गुरु जी के प्रति चाहे सारा संसार कुछ भी कहता रहे उसके विषय में सुना नहीं करते। यानी नकली गुरु की तो और बात है, लेकिन और सही गुरु के जो वास्तविक में परम संत होते हैं उनके विषय में उपदेशी ने उपदेश लेने के बाद मन में दोष नहीं आने देना चाहिए, ना तो भक्ति समाप्त हो जाती है, नाम कट जाता है। इस उद्देश्य से परमात्मा ने सोचा इसने पक्का करके नाम देंगे, ना इसे नाम नहीं देंगे। परमेश्वर ने कहा कि रविदास जी से बता दिया था कि वो लड़की आवेगी नाम लेने आवेगी कल और आपके पास भेजूंगा मैं, उनका मालिक ने बना लिया था प्रोग्राम, और आप उनको उपदेश देना और पहले अपनी सचिची बताना कि मैं समार हूं बेटी, और फिर देखना वो के कहेगी। मीराबाई आई, नाम के लिए कति दृढ़ प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा बहन जाओ बेटी उस सामने बैठा उसे रविदास जी से नाम ले लो। अब उठ के चली गई। रविदास जी ने कहा कि बेटी बहन बात सुन ले, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूं और आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी, चरम पर थी, और चमार जाति को तो और ज्यादा ही छुआछात में गणा गिणा करते हैं। और कहा बेटी देख ले फिर दुनिया तुझे जीने नहीं देगी बेटी। अब वो लड़की कहने लगी कि हे महात्मा जी आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, बाढ़ में जाओ ये संसार है, मुझे नाम दे दो। अब रविदास जी ने उपदेश दे दिया। अब वो सत्संग दिन में भी करें और कभी कभी आने लग गया हफ्ते 10 दिन में, फिर वो रात में भी करें परमात्मा। अब वो गुरुजी रात में सत्संग करें, मीरा बाई रात को जान लगी, पहले तो दिन में मंदिर में जाती थी फिर रात को भी जाना शुरू कर दिया। अब उसके देवर ने सोचा कि पहले तो भाई था वो अच्छी आत्मा का था,
उसने मीरा बाई की दृढ़ता को देखकर, निश्चय को देखकर कह दिया था कि कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाते रहो, और साथ में दो नौकरानी भेज देता था। अब पति की मृत्यु होगी, देवर ने सोचा दुनिया थूकेगी, पता नहीं कितने बात बनावेगी, अन्यों कहेंगे जिसका पति रहा को नहीं, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, और जनता पता नहीं कितने बात इसके जिम्मे लाओगी, हमारी बेद की होगी। उसने पहले मीराबाई से कहा कि मीराबाई तू अब कहीं नहीं जाएगी, सत्संग में नहीं जाया करेगी। मीराबाई ने कहा जी मैं नहीं रह सकती, मैं तो अवश्य जाऊंगी। अब उसने सोचा इज्जत का नाश करेगी, उसको मारने की चेष्टा की, एक बार तो विष दिया, जबरदस्ती तलवार लेके खड़ा हो गया। मीराबाई को बहुत भयंकर विष के पी इसने, नौका ने मुंह लाकर गट गट पी गई और कोई असर नहीं हुआ। कहते मीराबाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लग्या, हो गया ठंडा ही यारे। कहा तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी शरीर में, कहते हो गया अमृत सा गया परमात्मा की कृपा से उस बहन उस भगतनी के लिए। एक दो और ट्राई करी उसने, एक सर्प भेज दिया आभूषण के पैकेट में और बांदी को दे दिया कि मीराबाई को कह दे इसको गले में डाल लेगी। उसको पता था सर्प देने वाले ने कह दिया था सपेरे ने, एक बार ढक्कन खोलते माथे नक मारेगा। अब जो ही उसने मीराबाई को ये आभूषणों का डिब्बा पहुंचाया पैकेट, और मीराबाई को कह दिया गया था बांदी के माध्यम से कि इसको ग्रे में डाल लेगी, ना मेरी बेइज्जती ना करवाइए, मेरे छोरे का जन्मदिन है आज, वो राणा कहने लगा और रिश्तेदार नाती आओगे और यूं कहेंगे कि अपनी भाभी को यू ठीक ढंग से नहीं रखता, इस हार में पैर लेगी, था उसमें सांप। अब मीराबाई ने खोला उस बांदी के सामने, यादें सुनते उसने सोचा ले पहन लेती हूँ, मेरे लिए तो मिट्टी है यू, ना वो दुखी करेगा खाम खा भी मतलब टेंशन पैदा करेगा। उसने खोला तो हार पाया, सांप नहीं था हार था, एकदम गले में डाल लिया। अब थोड़ी देर के बाद वो पहुंचा राणा के, मर्गी होगी शोर मचा दूंगा क्यों हो गया सांप लट गया सांप लट गया, रिश्तेदार आ ही रहे हैं और बात खत्म हो जाएगी। अब उसके देवर ने जाकर देखा वो इतना सुंदर हार पहने बैठी, अब कहता ये हार कहां से लाई तू बदतलन। अब वो कहने लगी जी आप मुझे जीने नहीं दो, आपने भेजा था ये, अभी तो आपने भेजा है। वो बांदी बुलाई नौकरानी बुलाई कि ये इसमें क्या था, अकजी यही था, मेरे सामने खोला इसे, अपने सामने बंद करवा कर बांदी को दिया, बांदी पता नहीं था इसमें क्या है। उस नौकरानी को उसने सोचा भाई कमाल हो गया, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के फिर भी ये यकीन नहीं हुआ क्यों देवी ने सतावे तो इज्जत के ठेकेदार ने। फिर ने सोची तो यूं तो नाम रहा। अगले दिन उसने स्वयं सोची अकम रात ने इसने काट दूंगा तलवार से, तलवार लेकर चल पड़ा और कुवाड़ा में मारी लात, दोनों कुवाड़ियों खुल गए एकदम, सामने इतना मोटा सर्प और इतना ऊंचा एकदम उठकर उसके माथे की तरफ डंक मारना चाह, वो तो उल्टा कुला कर गया ना कोई दूर तक जब जान बची। अब उसने सोची भाई या तो कौन मरे और इज्जत का नाश हो गया। तब उसने उसकी माँ को बुला लिया, उसको कहा कि मौसी तू समझा दे इसने हमारा नाश कर दिया इज्जत का, या मानती नहीं। अब वो लड़की जो है वो बहन सत्संग में जाया करती थी, वो ये कथा उसको सुना रही है उस विधवा बेटी को, बहन को जिसका बेटा तंग करता था। अब क्या बताती है माँ और बेटी की क्या वार्ता होती है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे,
हाय मारी लोग कर तक रे सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे, सतसंग में जाना मेरा ना छूटे सतसंग में जाना मेरा ना छूटे हारी चाहे जड़ कमरो सारे सतसंग में जाना मेरा ना छूटे हारी चाहे जड़ कमरो सारे सतसंग में जाना मेरा ना छूटेरी थारे सतसंग के राय में ही थारे सतसंग के राय में आए वाप रहते हैं काड़े सांप कोई कोई सर्पतन डस ले आए वाप रहते हैं काड़े सांप कोई कोई सर्पतन डस ले जब गुरुदेव की मेरे होएरी जब सतगुरु जी की मेरे होएरी हारी व तो सर्प गंडे वे बने जा सतसंग में जाना मेरा ना छूटेरी हारी व तो सर्प गंडे वे बने जावे सतसंग में जाना मेरा ना छूटेरी हारी चाहे जड़ कमरो सारे सतसंग में जाना मेरा ना छूटेरी हारी चाहे जड़ कमरो सारे सतसंग में जाना मेरा ना छूटेरी थारे सतसंग के राय में ही थारे सतसंग के राय में ही हाय वाप रहते हैं बबरी शेर कोई कोई शेर तने खा ले हाय वाप रहते हैं बबरी शेर कोई कोई शेर तने खा ले जब सतगुरु जी की मेरे होएरी जब सतगुरु जी की मेरे होएरी हारी वे तो शेरा के गिदड़ बने जावे सतसंग में जाना मेरा ना छूटेरी हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे सतसंग में जाना मेरा ना छूटेरी हारी चाहे जड़ कमरो सारे सतसंग में जाना मेरा ना छूटे थारे सतसंग के बीच में ही थारे सतसंग के बीच में ही आए वाप रहते हैं साधु संत कोई कोई संत तन ले रमे आए वाप रहते हैं साधु संत कोई कोई संत तन ले रमे तेरे री मन में माता पाप है री तेरे री मन में माता पाप है री संत मेरे माँ बाप है री संत मेरे माँ बाप है री हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार सतसंग में जाना मेरा ना छूटे हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार सतसंग में जाना मेरा ना छूटे हारी चाहे जड़ कमरो सारे सतसंग में जाना मेरा ना छूटे सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे हाय मारी लोग करें तकरार
सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सने सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। वो तो जाति चमारे है, वो तो जाते समारे है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है, तेरे लिख मता चमारे हैरी, वो तेरे लिख मता चमारे हैरी, मेरा सिर जन आर हैरी, मेरा सिर जन आर हैरी। हरी व तो मीरा के गुरु रवि दास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हरी व तो मीरा के गुरु रवि दास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हरी चाहे जड़ के मरो सने सार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। अपने आत्मा परमात्मा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। यदि मीरा बाई उस समय उस खानदान के चक्कर में पड़ी रहती, इस संसारिक झूठी लोक लाज में आकर भक्ति ना करती, आज कौन मीराबाई को याद करता? आज उस बहन बेटी का जुबान पर नाम है सबसे पहले, और जो इज्जत वाली बनी फरे थी, ठेकेदार हो रहे थे हमारी इज्जत का नाश हो जाए, वो कुतिया बनी फरे, वह इज्जत गली मांडास। परमात्मा कहते हैं बीबी पड़ दे रहे छी डोडी लगे छी बार, इब गा तो गाड़े फिरती है बने कुतिया बाजार, नक बेसर नक पर बनी पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। अब उस बहन का यह बात बहुत खटकेगी, और पुण्यात्मा होती है जब तक उनको ये ज्ञान नहीं सुनने को मिलता है तभी तक दबी रहती है। अब उसने उसी दिन कहा बहन मैं नाम लेकर आऊंगी, उसके साथ चले गई परमात्मा कबीर जी से यानी परमेश्वर से नाम लिया, संत से उपदेश ले लिया। तो फिर जैसे ज्यादातर आपको सत्संग में किस लिए बुलाया जाता है, आप एक दूसरे से भी बहुत कुछ ग्रहण करते हो, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, तो आप जी के अंदर भी उमंग होती है मैं भी कुछ अपना हाथ से या कुछ शुभ कर्म करूं, कोई दान करूं, इस तरह की क्रिया यही सीखी जाती है।